केजरीवाल ना घर के ना घाट के, ओवैसी ने भी लपेट लिया। अब क्या करेंगे केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ना घर के रहे और ना ही घाट के। राजनीति में विचारधारा की स्थिरता ना होने पर ऐसा ही होता है जैसा आज केजरीवाल के साथ हो रहा है। एक तरफ केजरीवाल को राहुल गांधी मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे, दूसरी तरफ अब ओवैसी ने भी केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर दिया है। मजेदार बात तो ये है कि ओवैसी ने उन्हें कट्टर हिंदुत्ववादी बताया है। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूँ चमन मिश्रा। केजरीवाल कैसे बीच में फंस गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के द्वारा दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल को दिया था। मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए उस आदेश को पलट दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दोबारा से LG को दे दिया। इसके बाद से लगातार केजरीवाल अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं, नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, KCR और सीताराम येचुरी से केजरीवाल समर्थन मांग चुके हैं। लेकिन अब AIMIM पार्टी के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। ओवैसी ने बहुत ही साफ शब्दों में बोला है कि वो केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन समर्थन ना करने के पीछे ओवैसी ने जो कारण बताया है वो जरा गौर से समझिए। ओवैसी ने कहा है कि केजरीवाल हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ओवैसी का पूरा बयान जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओवैसी ने कहा, आर्टिकल 370 पर केजरीवाल ने BJP का समर्थन क्यों किया था? अब केजरीवाल क्यों रो रहे हैं? केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व ही नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। अब आप समझिए, एक तरफ ओवैसी का कहना है कि केजरीवाल का इसलिए समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के दफ्तर में लाल मेजों पर हाथ रखकर और लाल कुर्सी पर बैठकर कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी के साथ मीटिंग करके आए हैं और हाथ जोड़कर उनसे समर्थन मांगा है। और जब केजरीवाल नास्तिक कम्युनिस्टों से मिल रहे थे तब आप मत भूलिए कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के फोटो की वकालत की थी। ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है, भले ही केजरीवाल राज्यों के निकाय चुनाव में एक दो सीटें निकालने लगे हैं, लेकिन एक बात तय है कि केजरीवाल अभी भी विचारधारा के स्तर पर कहीं भी स्थिर खड़े दिखाई नहीं देते। आम आदमी पार्टी की विचारधारा डामाडोल होती हुई दिखती है। एक तरफ लक्ष्मी गणेश के नोटों की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ नास्तिक कम्युनिस्ट नेता से मिलते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को अयोग्य बताते हैं, सोनिया गांधी को भ्रष्ट बताते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते हैं। यह क्षणिक अवसरवादिता से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस पल में जो भी करने से फ़ायदा हो रहा है वो करते जाना, आगे का कुछ नहीं सोचना। लेकिन ऐसे राजनीति नहीं चलती। इसी कारण आज केजरीवाल को ना ही राहुल गांधी मिलने का टाइम दे रहे हैं और ना ही ओवैसी केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। केजरीवाल की स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि बिना विचारधारा के, बिना मजबूत स्टैंड के, बिना एक थॉट प्रोसेस के राजनीति में आप लंबे समय तक नहीं टिक सकते। वही स्थिति केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ होती हुई दिख रही है। ओवैसी ने केजरीवाल को हार्ड हिंदुत्व फॉलो करने वाला बताते हुए समर्थन ना करने का ऐलान किया है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।